पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक किलो में कम अंकित मूल्य पर यानी मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपए का लाभ कमाता है। कितना रुपए लाभ कमाता है? 56 रुपए लाभ कमाता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा, यानी यह लाभ जो है, यदि बात करें लाभ प्रतिशत का 10 है, तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना है, यानी अंकित मूल्य कितना होगा निकालना। तो अंकित मूल्य कितना होगा? 100% होगा। कितना होगा? 100% होगा। और लाभ कितना है, यानी 10% का जो वैल्यू है आपको दे रखा है, कितना लाभ हुआ है? 56 रुपए, 10% है, कितना परसेंट है? 10%। तो 10% का वैल्यू कितना दे रखा है? 56। तो लाभ कभी कब होता है? कॉस्ट प्राइस पे। लाभ कब होता है? कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा हुआ मूल्य, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से ज्यादा, यानी क्रय मूल्य आपका इसमें कितना प्रतिशत होता है? 100%। और ये बेचा कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 10% लाभ हो रहा है, यानी कितना बेचा है? 110% में। तो 1% का वैल्यू कितना है? 56/10। तो हमको 110% का वैल्यू निकालना है, यानी कितना में बेचा है? करेंगुल पे 10% का लाभ हो रहा है, 56 रुपए लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो जाएगा, यानी 10% का वैल्यू कितना है? 56 × 10 × 110। तो 0 0 कटेगा, 6 है मेरा 1, 5 और 6 60। यानी बेच कितना में रहा है? इतना रुपया, 660 में। और बेच कर कितना रुपया लाभ हो रहा है उसको? 56 रुपया में। अब बोलते हैं ये जो है छोड़ा भी है, तो अंकित मूल्य कितना है इसका, यानी दाम कितना लिखा हुआ है, कितना रुपया उसके प्रिंट में लिखा हुआ था, यानी 23% छोड़ने के बाद, यानी 100 − 23 इसको कितना हो गया? 77%। और ये 77% का वैल्यू कितना दे रखा है? 77% का वैल्यू कितना है? 616 रुपये। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 616/77। तो ये कटेगा कितना बार में? 8 बार में। 8 × 7 = 56, 56 = 61, यानी कितना बार में? 8। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 800 रुपये। यानी कितना रुपया दाम है इसका? मार्क्स प्राइस 800 रुपये। समझ में आया? सिंपल सा है, जो लाभ हो रहा है 56 रुपया लाभ हो रहा है, 10% का वैल्यू दे रहा है। तो बेचा कितना में? 100% तो करें मूल्य, यानी बेचा कितना में? 110%। 110% बेचा, यानी 616 रुपये बेचा। और 616 रुपये में बेचा, इसका मतलब क्या है कि छूट देने के बाद, यानी कोई सामान का दाम 100% अंकित मूल्य हुआ, उसमें 23% छोड़ दिया, ग्राहक को क्या बोला? 23% छूट दे रहा है, यानी बेच कितना दे रहा है? 70%। 77% का वैल्यू कितना दे रखा है? 1% का वैल्यू कितना? 8। 100% का वैल्यू कितना है? 100। समझ में आया? यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, फिर से इसके लिए नया से फिर से बताया जाएगा।